जिनके आखिरी उंगली के नाखून का भी ऑपरेशन नहीं हुआ, वो आपको बाईपास कराने के लिए हॉस्पिटल का सजेशन देने आ जाएंगे। ये होते हैं रायचंद, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और ऑब्जर्वेशन देखिएगा। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का, मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का साइकोलॉजी है, एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, ये एक शौक होता है। क्यों सेठ जी, इस बार कैलेंडर वैलेंडर नहीं आए क्या? मैंने कहा तेरे घर में जगह तो है नहीं टांगने की, क्या भाभी की चोटी पे टांगेगा कैलेंडर? पर आदमी मांगता जरूर है फोकट की डायरी और कैलेंडर मांगने का। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का, मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, भैया ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का, मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, भैया थोड़ी चटनी देना। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे धोल जमाने का, मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का। ससुराल किसी की बुरी नहीं होती और साला तो विवेकानंद जी से कम बुद्धिमान किसी का होता ही नहीं है। और ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए दो दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटके और पान इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का, मजा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूँ, तालियां बजाइए।